नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वामी सरन और आप देख रहे हैं कॉमर्स स्पेशल 120। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो तरह के हैं, एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है उसे आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? कहता है इट इज़ ए सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड वैन कैश इज रिसीव्ड और पेड। कहता है ये ऐसा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की एक प्रक्रिया है जहाँ की सिर्फ कैश जब रिसीव्ड होगा या कैश पेड होगा उसी समय हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ये होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उधार जो होते हैं ट्रांजेक्शन उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सिर्फ कैश को ही प्रधानता दी जाती है। और आइए देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेज क्या होते हैं। इसका एडवांटेज है पहला सिंपल, ये सिंपल होता है जिसे रिकॉर्ड करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ पे सिर्फ कैश, जब भी कैश में रिसीव होगा या पे होगा उसी समय रिकॉर्ड किया जाएगा। इसलिए क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, मोर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मोर ऑब्जेक्टिव होता है इस। और इसका तीसरा एडवांटेज क्या है, सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी होता है वैसा फर्म या वैसा संस्थान जहाँ की कैश बेसिस पे ही बिजनेस किया जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सूटेबल होता है क्योंकि इसमें तो सिंपल सी बात है, ये वैसा अकाउंटिंग की प्रक्रिया ही है जहाँ की कैश जब रिसीव करे या पेड करे उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस तरह के फॉर्म के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। आइए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेज। अब इसके डिसएडवांटेजेज क्या क्या हैं? इसके डिसएडवांटेज है पहला, कहता है डज नॉट गिव ए ट्रू और फेयर व्यू। ये ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता है क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी उधार लेन देन का तो को रिकॉर्ड किया नहीं जाता है। यहाँ पे रिकॉर्ड किसे किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है ओनली कैश बेसिस को। इसीलिए क्या है, इसका एक ये डिसएडवांटेज है, ये ट्रू और फेयर व्यू को नहीं दे पाता है। और दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, वो कहता है डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जिस साल का ट्रांजेक्शन है उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए और उस साल ही होने होता है। ये तो सिर्फ कैश में होगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। और तीसरा है डिफरेंस, नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। से कैपिटल रेवेन्यू आइटम में डिफरेंस नहीं करता है। अब डिफरेंस क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, अगर ये कैश में रिसीव या पेड हुआ है तभी इसका रिकॉर्ड किया, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग बेसिस के अंदर, या तो कैश पे नहीं हुआ तो नहीं किया जाएगा। कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल जो ऐसा होता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये एक मतलब कभी कभी होता है और लार्ज अमाउंट में होता है, और रेवेन्यू जो होता है डेली बेसिस पे होता है, तो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के। थैंक यू।